हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ जोजोबा ऑयल और ओबा ऑयल बाय हिमानी, डब्ल्यू बी बाय हिमानी। दैट इज़ 100% नेचुरल प्रोडक्ट। पहले मैं आपको जोजोबा ऑयल के बारे में बता दूँ। इसको कुछ लोग जोजोबा ऑयल कहते हैं, कुछ ओबा ऑयल कहते हैं, आप इसको जो भी कह लें, बट इसकी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर स्किन हीलिंग। स्किन हीलिंग का मतलब ये स्किन की एक्नी, एक्जिमा, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हील करता है। दिस इज़ द बेस्ट बेस्ट क्लींजर, मॉइस्चराइज़र और स्पॉट ट्रीटमेंट। इसे बहुत ओके। तो दिस जो ऑयल इज़ बाय हिमानी। इसकी प्राइस आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये समथिंग 500 to 700, 800 इस रेंज में है। इनकी जो ये रेंज है ऑयल्स की, ये मैंने पहले भी विटामिन ई वाले उसका रिव्यू शेयर किया था ऑयल का, और इसका भी। इनकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट और प्यारी सी बॉटल होती है। आप ये देखें, ये कितनी प्यारी है। आप इसको बाद में फ्यूचर DIY के लिए, इसकी जो एम्प्टी बॉटल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ 100% नेचुरल ऑयल बाय हिमानी। अब देखें मैंने इसको कितना सारा यूज़ कर लिया है। वैसे भी आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ ऑयल्स, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझ पर ऑयल्स वैसे भी सूट करते हैं। मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया, थोड़ा सा रह गया है। आई विल परचेज इट अगेन। इसके साथ एक ड्रॉपर है बहुत प्यारा सा, और इस ड्रॉपर से जो है इस ऑयल की जो कंसिस्टेंसी होती है, दैट इज़ मीडियम कंसिस्टेंसी, नॉट वेरी लाइट, नॉट वेरी थिक। और ये एब्जॉर्ब हो जाता है आराम से आपकी स्किन में। आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको नाइट टाइम या डे टाइम रूटीन में जैसे भी आप इसको ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट्स मॉइस्चराइजिंग, इट्स ड्राई स्किन के लिए। लाइक इस बंडल्स ऑफ मॉइस्चर इसमें अवेलेबल है। एंटीबैक्टीरियल होता है आपके इन्फेक्शंस को, एक्जिमा वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है स्किन की, उसके लिए, फंगल इन्फेक्शन टाइप चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है फॉर स्किन के लिए। इट इज़ रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, और एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़बरदस्त होते हैं फ्रेश, हेल्दी एंड यूथफुल स्किन। लाइक आपकी स्किन को जो है वो टाइट करते हैं, आपकी स्किन को टॉक्सिन से जो है वो रिमूव करते हैं, पोल्यूटेंट से जो है वो रिमूव करते हैं। इसके अलावा इसमें इट हेल्प्स कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन इन योर स्किन। जैसे आपकी स्किन पे जो एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम है और वो चीज़ें, पिंपल्स वगैरह नहीं बनते हैं। और ये जो है एंटी एजिंग में कॉलेजन को प्रमोट करता है आपकी स्किन में। कोलेजन जो होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो आपकी स्किन को यूथफुल रखता है, यंग रखता है, टाइट रखता है। तो कोलेजन लेवल्स जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्किन से जो है डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये अगर आप अपने स्किन केयर का पार्ट बना लें तो ये आपके कोलेजन लेवल को बैलेंस रखता है और आपकी स्किन को एक यूथफुल ग्लो जो है वो देता है, यानी कि आपकी स्किन जो है वो लूज़ नहीं होती, टाइटन रहती है। और ये वाउंड्स को हील करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। और इसके अलावा एक्जिमा, जैसे मैंने पहले बताया, ड्राइंग स्किन कंडीशंस को लिए बहुत जो है वो अच्छा होता है। सो आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा रिव्यू जो है पसंद आया होगा। ये हिमानी का एक ऑयल है जो कि मेरा बहुत फेवरेट ऑयल है, और ये मेरी स्किन केयर का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। इसको मैं ऑन एंड ऑफ यूज़ करती रहती हूँ। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा, आप भी ये चीज़ यूज़ करें। होपफुली आपकी स्किन के लिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।